हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? इन आवर लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द मिरर, प्लेन मिरर. वी कंप्लीटेड. आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दैट. इन प्लेन मिरर हाउ द इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ओके, नाउ इन टुडेज क्लास आई एम स्टार्टिंग स्फेरिकल मिरर्स. Today's class I am starting spherical mirrors. Firstly, the definition of spherical mirrors. So we can say that the mirrors which have curved or spherical reflecting surfaces, those mirrors which have curved means mudi hui. Okay, those mirrors which have curved or we can say that spherical reflecting surfaces are called spherical mirrors. ऐसे mirrors जिनमें reflecting surface curved होती है. प्लेन मिरर को अगर आपको याद हो तो प्लेन मिरर में कैसी थी, जैसे अपन ने उसमें इमेज बनाई थी तो बिल्कुल फ्लैट थी. इनके अंदर कैसी हो जाती है, दैट इज कर्व. जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस उसमें फ्लैट थी, इनमें कैसी हो जाएगी, कर्व, या तो ऐसे या फिर ऐसे. Got it? तो दे हैव कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस. क्या होती है इनमें, कर्व रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस होती हैं. गॉट इट? देयर कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस आर कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ ए होलोस्फीयर. इन्हें क्या माना जाता है, एक होलोस्फीयर का पार्ट अपन इसको कंसिडर कर सकते हैं. सपोज इट इज ए स्फीयर, इट इज होलो, होलो है. अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं, नाउ इस पर अगर पॉलिश लगा दी जाए, इस साइड में या इस साइड में या अगर अपन रिवर्स में बात करें तो इस तरीके से अगर पॉलिश लगा दें अपन, इस साइड में या इस साइड में, जैसे अपन ने लास्ट क्लास में बात किया था, अगर बैक साइड में लगा रहे हैं तो वो है बैक कोटेड, फ्रंट साइड में लगा रहे हैं तो फ्रंट कोटेड. तो अगर अपन किसी भी साइड में पॉलिश लगाते हैं तो क्या ये स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन हो रही है कि नहीं हो रही, वी आर ऑब्टेनिंग दीज स्ट्रक्चर्स. ओके, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट स्फेरिकल मिरर्स आर द पार्ट ऑफ होलोस्फीयर्स. उन्हें क्या माना गया है, होलोस्फीयर्स का अपन पार्ट कंसिडर कर सकते हैं. गॉट इट, अंडरस्टैंड? अब ये कौन सी साइड है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कौन सी साइड पर पॉलिश है, उसकी बेसिस पर देर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स. स्फेरिकल मिरर्स जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं, दे आर टू टाइप. वन इज कॉल्ड कॉन्वेक्स एंड सेकेंड इज कॉल्ड कॉनकेव. In 8th class, you already studied about that. Okay? So, there are two types of mirror. One is concave and second one is convex. Concave mirror, if we consider the first one, that is concave mirror. Those spherical mirrors whose reflecting surface is curved inward or inside. As a spherical mirrors, जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड या इनसाइड कर्व्ड हो, यानी कि जो सेंटर है उसके साइड में कर्व्ड हो. अगर मैं इसको पूरा स्फीयर मानूं तो इसका सेंटर अपन कंसिडर कर सकते हैं. तो सेंटर के साइड में जब कर्व्ड होती है, कर्व्ड इनवर्ड, तब उसके लिए बोला जाता है कॉनकेव मिरर, देन इट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर. और अपोजिटली अपन बात करें तो अपन बोल सकते हैं Those spherical mirrors whose reflecting surface curved outward या curved towards outside, curved outward or curved towards the outside, that means away from the center. ये जैसे अपन इसका center अपन consider करें, suppose ये sphere है, sphere का ही that is center, तो ये reflecting surface से outside जा रही है, दूर जा रही है, तो that is curved outward. Got it? तो दैट इज कॉल्ड, अगर इनवर्ड हो, सेंटर की तरफ हो, तो कहलाएगा कॉनकेव.
आउटवर्ड हो, सेंटर से अवे हो रहा है, तो दैट इज कॉन्वेक्स. गॉट इट? लोग बोलते हैं थोड़ा याद करने में कंफ्यूजन रहता है, बिल्कुल इजी है. कॉनकेव, केव, केव मींस केज, केज मींस गुफा. अगर अपन किसी भी माउंटेन के ऊपर अपन बात करें तो अपन जो गुफा वगैरह देखते हैं तो वो ऐसी तो होती है. तो क्या ये और ये सेम नहीं है? एक आप अच्छी तरह से मेमोराइज कर लीजिए, दूसरा वाला अपने आप समझ में आ जाएगा. व्हाट इट? अंडरस्टैंड? सो दैट इज कॉनकेव मिरर एंड दैट इज कॉन्वेक्स मिरर. सिंस कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वर्ज और वी कैन से दैट कलेक्ट द लाइट रेज एट ए पॉइंट, इंसिडेंट लाइट रेज एट ए पॉइंट. कॉनकेव मिरर जो है वो अपने ऊपर गिरने वाली जो इंसिडेंट लाइट रेज हैं, उन इंसिडेंट लाइट रेज को एक पॉइंट पर कलेक्ट करता है, एक पॉइंट पर फोकस करता है या एक पॉइंट पर सेंट्रलाइज्ड करता है. ओके, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कॉन्वर्जिंग मिरर. इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? कॉन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं. ये वर्ड यू हैव टू मेमोराइज बिकॉज इन द न्यूमेरिकल्स दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लासेस, समटाइम्स इन द प्लेस ऑफ द कॉनकेव मिरर द एग्जामिनर गिव द नेम ए कॉन्वर्जिंग मिरर. ही गिव द नेम कॉन्वर्जिंग मिरर. सो वी हैव टू नो द नेचर ऑफ दिस मिरर. अपने को इस मिरर की नेचर पता होनी चाहिए. तो कैसी होती है इस मिरर की नेचर? कॉन्वर्जिंग. इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कॉन्वर्जिंग मिरर. बट इट इफ वी कंसिडर द नेचर ऑफ कॉन्वेक्स देन इट डाइवर्ज और स्प्रेड द इंसिडेंट लाइट रेज फ्रॉम ए पॉइंट. ये अपने ऊपर गिरने वाली लाइट रेज को एक पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है उससे डाइवर्ज करता है, फैलाता है. दैट्स व्हाई इट्स नेचर इज डाइवर्जिंग. सो वी कैन से दैट इट इज डाइवर्जिंग मिरर. क्या बोल सकते हैं अपन इसको? डाइवर्जिंग मिरर. गॉट इट? सो कॉनकेव नेचर वाइज इट इज कॉन्वर्जिंग एंड कॉन्वेक्स इट इज डाइवर्जिंग मिरर्स. गॉट इट? One thing that can ask about the front coated and back coated these spherical mirrors. If I am consider concave and if consider convex, then in concave that surface and in convex that surface. Okay? If the polish is If the polish is in this side, that means back side, then it is back coated, and if it is in front side, then it is front coated concave mirror. Similarly, in convex, if this side, then it is back coated, and if the polish is in this side, then it is front coated. Okay, we already discussed more than two times about the front coated and back coated mirrors. Okay, so I think the natures of these mirrors is clear in your mind. Now let us start to discuss about the terms related with the spherical mirrors. Mirrors clear, eh? Now let us discuss the terms related with spherical mirrors. Okay, so now in board exams sometimes the questions related about the terms can be asked. Already in some of the papers it is asked by the examiner. So that is an important point. Okay, the first term, that is aperture.
एपरेचर विच इज डिनोटेड बाय MN. सबसे पहले टर्म है एपरेचर, या जिसको बोलते हैं हिंदी में बोला जाता है द्वारक, बट वी आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट सो दैट इज नो मैटर ऑफ हिंदी नेम्स, दैट इज MN. दिस इज एपरेचर. ओके, इन द डायग्राम दिस इज एपरेचर. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन? द डायामीटर, द डायामीटर और विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द डायामीटर और विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज एपरेचर. किसी भी स्फेरिकल मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायामीटर है, ये जो विड्थ है, अगर इसको डॉट डॉट करें तो दैट इज, जिसको लीनियर एपरेचर बोलते हैं, ये दैट इज कर्व्ड एपरेचर, और अगर मैं डॉट डॉट करके इसको मिला दूं तो दैट इज लीनियर एपरेचर. तो ये जो विड्थ है, और अगर अपन इसको पूरा बात करें तो अगर अपन इसको पूरा हाफ स्फीयर माने तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक तरीके से डायमीटर को कंसिडर करेगा. तो दैट इज वो जो इफेक्टिव जो डायमीटर है या जो विड्थ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस की, दैट इज नॉन एज एपरेचर. उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एपरेचर. गॉट इट? सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म इज एपरेचर, सेकेंड टर्म इज पोल, विच इज डिनोटेड बाय पी, बट इन आवर बुक इट इज डिनोटेड बाय ओ. One thing let me clear you, in the higher classes or in the other books, it is denoted by P, but in our book, at various places, it is denoted by O. I don't know why, but they denoted by O. So I am writing the sign O because we are Assam board students. I am also student. Okay, this. The center of the mid or center, or we can say that central point of curved reflecting surface, the midpoint or central point or the center of curved reflecting surface is known as aperture. उसको क्या बोला जाता है? Aperture बोलते हैं. Got it? The third term is center of curvature. Center of curvature, which is denoted by C. Okay. Spherical mirrors are considered as the part of holospheres. जो spherical mirrors हैं, they are considered as the part of holosphere. उन्हें क्या माना गया है? किसी ना किसी holosphere का part मानते हैं. जैसे ये पूरा holosphere है, अगर इसको रिमूव कर दूं तो दैट इज, तो अपन बोल सकते हैं जो स्फेरिकल मिरर्स हैं वो क्या माने गए हैं? दीज आर पार्ट ऑफ होलोस्फीयर, एंड द सेंटर ऑफ दिस होलोस्फीयर जिसका ये पार्ट है, दैट इज नॉन एज सी. जिसको क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी. क्या बोलते हैं जिसको अपन? सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज सी. गॉट इट? अंडरस्टैंड? Fourth term is, if I am considering the definition, then we can say that the spherical mirrors are the part of holosphere and the center of that holosphere is known as center of curvature. One thing let me clear you, in the competition exam, that question, generally that question was a very frequent question, that which of the following is not the part of spherical mirror? कौन सा ऐसा है जो सेंटर, जो स्फेरिकल मिरर का पार्ट नहीं है? द आंसर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. इट इज द पार्ट ऑफ होलोस्फीयर. ये किसका पार्ट माना गया है? होलोस्फीयर का पार्ट माना गया है, ना कि स्फेरिकल मिरर्स का. ओके, द फोर्थ वन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. The fourth one is radius of curvature, which is denoted by R. The distance between pole and center of curvature. The distance between pole and center of curvature
is known as radius of curvature. पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? दैट इज नॉन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. क्या बोला जाएगा उसे? रेडियस ऑफ कर्वेचर. गॉट इट? फिफ्थ टर्म इज प्रिंसिपल एक्सिस विच इज कंसिडर एज एक्स एक्स डैश, जिसको अपन जो ग्राफ में अपन एक्स एक्स डैश कंसिडर करते हैं, दैट वन. The imaginary straight line, the imaginary straight line which join pole and center of curvature, imaginary straight line जो pole और center of curvature को join करती है, उनको जोड़ती है, that is known as principal axis. उसे क्या बोला जाता है? Principal axis. I am again repeating, the imaginary straight line which join the pole and center of curvature, or sometime we can also say that the imaginary straight line which is passing through the pole and center of curvature. Pole or center of curvature ko pass karne wali ya unko jodne wali imaginary line kya kehlati hai? Principal axis. Got it? Sixth term is focal point या focus point. Okay? The light rays which are parallel to the principal axis after reflection either converge at a point, यानी कि एक point पे मिलती है, और appear to diverge from a point, या फिर एक point से जाती हुई दिखाई देती है. I am again repeating, the light rays which are parallel to the principal axis, after reflection either meet at a point or appear to diverge from a point. Okay, this point is known as focus. इसको क्या बोला जाता है? Focus, जिसको अपन denote करते हैं capital F से. किससे डिनोट किया जाएगा? कैपिटल एफ से. गॉट इट? ओके. इन द कॉनकेव मिरर इट इज इन द फ्रंट ऑफ मिरर, व्हाइल इन कॉन्वेक्स इट इज इन द बैक साइड. कॉनकेव के अंदर कहां पर है ये? फ्रंट साइड में. जबकि कॉन्वेक्स के अंदर कहां पर आएगा ये? दैट इज इन बैक साइड. कहां पर होता है ये? बैक साइड के अंदर होता है. गॉट इट? इट इज इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव एंड इन द कॉन्वेक्स इट इज इन बैक साइड. Okay, here light rays converge, here appear to diverge. Okay, seventh term, that is focal length which is denoted by small f, jisko apan kisse denote karte hain? Small f se. Got it? The distance between pole and focus. The distance between pole and focus. Pole और focus के बीच की जो distance है, pole and focus के बीच की जो distance होती है, that is known as focal length. उनके लिए क्या बोला जाए? उसको क्या, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ. गॉट इट? अंडरस्टैंड? अब कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अपने को कंसीडर करना है. आई थिंक दीज सेवन टर्म्स इज क्लियर. नाउ फर्स्ट पॉइंट, दोज स्फेरिकल मिरर्स हैविंग वेरी वेरी लेस एपरेचर या जो बहुत ज्यादा कम कर्व्ड होते हैं. लेस एपरेचर का मतलब कर्व बहुत ज्यादा कम हो जाएगा. विच हैव वेरी वेरी लेस कर्वेचर, उनके लिए एक रूल लागू होता है, उसको ध्यान से समझना. फॉर दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज डबल ऑफ फोकल लेंथ. रेडियस ऑफ कर्वेचर जो क्या होती है, वो फोकल लेंथ का डबल होती है. The radius of curvature is double of the
focal length. किनके लिए? Those spherical mirrors which have very very less aperture, जिनमें aperture बहुत ज्यादा कम होता है. Got it? Understand? Second point. For the large spherical mirrors, जो बहुत बड़े लार्ज स्फेरिकल मिरर्स है, द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रेज चेंजेस विद द इंक्रीज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल. जो बहुत बड़े मिरर्स होते हैं, जितना बड़ा मिरर होगा उतना ही फोकल पॉइंट आगे जाएगा. तो जो जब बहुत बड़े स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, उनके अंदर जैसे जैसे फोकल पॉइंट की डिस्टेंस पोल से बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उनकी डायरेक्शन जो है रिफ्लेक्शन की वो चेंज होती है. यानी कि बहुत बड़े स्फेरिकल मिरर्स हो तो जो अपन बोलते हैं कि फोकल पॉइंट पे मिलते हैं, ऐसा नहीं होता. गॉट इट? दैट मींस दे डू नॉट मीट ऑन फोकस. बिकॉज ऑफ दैट जो लार्ज स्फेरिकल मिरर्स है उनकी जगह पर यूज किया जाता है रियल लाइफ के अंदर पैराबोलिक जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस हैं, या पैराबोलिक मिरर्स का यूज किया जाता है. पैराबोलिक शेप जानते हैं ना आप लोग? तो पैराबोलिक स्फेरिकल मिरर्स का यूज किया जाता है इन द प्लेस ऑफ दीज स्फेरिकल मिरर्स. ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन बात करें तो जो टेलीस्कोप है या जो गाड़ियों की जो हेडलाइट्स हैं, उनके अंदर जो मिरर्स लगे हुए हैं दैट आर पैराबोलिक इन नेचर. गॉट इट? सो दीज आर सम टर्म्स रिलेटेड विद द स्फेरिकल मिरर्स. Hope you like it and understand also. Thank you.